आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश ने एक नए विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। बैंक मैं जब आया था तब उत्तर प्रदेश की 42-43 सीडी रेशियो था बैंक्स का। जितने बैंकर्स थे जब मैं उनके साथ स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक करता था, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 56% तक पहुंच चुका है और बहुत शीघ्र हम इसको 60% तक ले जाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश अपने बड़े से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा जो पश्चिमी क्षेत्र था उनके पास अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड इन सबसे वंचित था। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर आप जाइए, आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच से उसकी स्पाइनल कॉलम बनकर पूरी मजबूती के साथ विकास की एक नई आहट को उस क्षेत्र के लिए आमंत्रित कर रहा है। इसमें विकसित हो रहे नए औद्योगिक क्लस्टर एक नई आभा के साथ उत्तर प्रदेश, नए उत्तर प्रदेश का दर्शन हम सबको कराते हैं। 2016 में बुंदेलखंड के लिए भारत सरकार को टैंकर से पानी भेजने लगे और भाइयों बहनों आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बुंदेलखंड के हर घर में हमने नल से पानी पहुंचा दिया। हर घर में बुंदेलखंड के अंदर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बिछा दी गई और बुंदेलखंड के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का भी दो महत्वपूर्ण नोड स्थापित हो रहे हैं, एक झांसी में और एक चित्र।